स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। आप अपना पिछवाड़ा बचाओ, हम तो पहले से ही नंगे खड़े हैं। दोस्तों, आश्रम चैप्टर 2 एमएक्स प्लेयर के चर्चित वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन रिलीज हो गया है। बॉबी देओल के आश्रम के पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ की चौंका देने वाली दुनिया नजर आई थी, जिसके पात्र और कहानियों ने दिल जीतने का काम किया था और साथ ही समाज के कई चेहरों को दर्शकों के सामने पेश किया था। आश्रम के दूसरे सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। सीरीज को इसी सीजन में निपटाने की बजाय इसको फिर से एक और सीजन के लिए छोड़ दिया गया है। यही बात आश्रम चैप्टर 2 में अखरती है। आश्रम के दूसरे सीजन में काशीपुर बाबा वाले निराला के आश्रम में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की ओर फोकस करता है। बाबा के आश्रम में नशे की खपत बढ़ती जा रही है, वहीं शोषण भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ बाबा और भी निरुकंश होता जा रहा है। बाबा का राजनीति में बढ़ता दखल भी देखने को मिलेगा और उसमें भी शातिर चालबाजियां देखने को मिलेंगी। लेकिन आश्रम के इस सीजन में लड्डू की माया देखने को मिलेगी और शायद सीजन देखने के बाद आपका मन भी तुरंत लड्डू खाने को करे। लेकिन कहानी को तेजी से आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन कहानी कछुआ चाल से चलती है और फिर सीजन का अंत ऐसे जगह होता है जहां कई सवाल पीछे रह जाते हैं, वही सवाल जो पिछले सीजन में अछूत रह गए थे। इस तरह से एक सीजन की छलांग लगाने के बाद भी आश्रम वही से है जहां पहले था। आश्रम में एक्टिंग के मामले में भी सारे सितारे पहले की तरह अच्छे ही हैं और बॉबी देओल काशीपुर बाबा वाले निराला के रोल में पहले की तरह मजेदार है, लेकिन प्रकाश झा का आश्रम प्रेम कुछ ज्यादा ही हावी नजर आया और एक बार फिर से उन्होंने इसी वजह से एक और सीजन की गुंजाइश छोड़ दी जिसकी जरूरत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आश्रम वेब सीरीज चैप्टर 3 की। तो क्या दोस्तों, आप आश्रम वेब सीरीज का चैप्टर 3 देखना पसंद करोगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।